हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और ये जो हमारा टॉपिक है ये टीजीटी पीजीटी एलटी और ट्वेल्थ क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ तक कि स्पोकन के लिए भी ये बड़ा ही लाभदायक होगा। तो आइए देखते हैं, अगर कहीं पर हमें हिंदी वाक्य में मुश्किल से ही या कठिनाई से ही देखने में मिल जाता है तो हमें इसकी अंग्रेजी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और इनके साथ हैड का यूज हमें करना है। हार्डली का यूज कर सकते हैं, स्कार्सली का कर सकते हैं, बेयरली हैड का यूज कर सकते हैं और जो ये की है इसके लिए हम वैन का ही यूज हमें करना है। कभी कभी अगर हम बात करक्शन की करते हैं तो वहां पर बिफोर भी आ सकता है तो वो भी हमारा सही होगा। हालांकि ये जो की अंग्रेजी है उसके लिए हम वैन का यूज करेंगे। अगर कहीं पर करेक्शन की बात करते हैं, हम सिंटेक्स आ जाता है जैसे ट्वेल्थ क्लास में या फिर टीजीटी पीजीटी में करेक्शन के लिए वाक्य आते हैं, उनमें हम बिफोर का यूज अगर कहीं पर दिया हुआ है हैड हार्डली के साथ या स्कार्सली हैड के साथ या बेयरली हैड के साथ तो वो भी हमारा सही होगा। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद हैड और हेड के बाद हार्डली, स्कार्सली या बेयरली का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में रहने वाला है और वैन से जो वाक्य जुड़ेगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, मोस्टली वो सेकंड वर्ब में ही हमारा होगा। इसको हम जैसे इन्वर्जन होता है, जब सब्जेक्ट से पहले हमारी वर्ब आ जाती है उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। इसको हम सब्जेक्ट से पहले भी यूज कर सकते हैं, हार्डली हैड, स्कार्सली हैड या फिर बेयरली हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद इसकी के लिए हम वैन का यूज करते हैं। सो फिर इधर वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसमें भी दो वाक्य एक साथ आते हैं तो आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दो तीन एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था कि चपरासी ने घंटी बजा दी, तो इसमें मुश्किल से ही हमारा आया है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, आई हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है पास्ट परफेक्ट में, आई हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल। अब इस की के लिए हमें वैन का यूज करना है और वैन के बाद फिर दोबारा जो हमारा सब्जेक्ट होगा अगले सेंटेंस का वो यूज करना है। वैन द प्योन बजाने के लिए हम रैंक का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म रैंक द बेल। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल, वैन द प्योन रैंक द बेल। सेकंड सेंटेंस है, उसने कठिनाई से ही, इसमें हमें कठिनाई से, मुश्किल से ही ये दोनों वर्ड देखने में हमें मिल सकते हैं। उसने कठिनाई से ही टिकट खरीदा था कि रेलगाड़ी चल दी, तो ही स्कार्सली हैड, ही हैड स्कार्सली बोर्ड द टिकट। अब की के लिए हमें वैन का यूज करना है, वैन द ट्रेन चल दी स्टार्टेड, ट्रेन वगैरह जो हमारे वाहन होते हैं उनके लिए हमें स्टार्ट का यूज करना चाहिए। इसको अगर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, इन्वर्जन वाले तरीके से बनाते हैं तो हम इसको बनाएंगे, स्कार्सली हैड ही बोर्ड द टिकट व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। इसमें क्या अंतर हुआ है, इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया है और इस वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब को लगाया है। एक सेंटेंस और देखते हैं, किसान ने मुश्किल से ही खेत जोता था कि वर्षा शुरू हो गई,
इसको हम इन्वर्जन के इन्वर्जन से और हार्डली के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। हार्डली हैड सब्जेक्ट से पहले हमें हार्डली हैड का या स्कार्सली हैड का यूज करना है। हार्डली हैड द फार्मर, ये वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में ही होगा क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें हमें करना है। हार्डली हैड द फार्मर प्लॉट द फील्ड। अब इस की के लिए हमें वैन का यूज करना है। वैन, वर्षा शुरू हो गई। द रेन शुरू होने के लिए हम स्टार्टेड का यूज करेंगे, स्टार्टेड। सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। हार्डली हैड द फार्मर प्लॉट द फील्ड व्हेन द रेन स्टार्टेड। इसको यहां पर हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, व्हेन इट स्टार्टेड द रेन भी हम इसको कर सकते हैं। द रेन इसमें सब्जेक्ट मान सकते हैं और बारिश वाले में हम इट को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है हमारा, व्हेन द रेन स्टार्टेड और इट स्टार्टेड द रेन। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने इस क्लास का को एंजॉय किया होगा। नित्यम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।